आज हम बात करने वाले हैं एसेंट्रिसिटी के बारे में और एसेंट्रिसिटी रेशियो के बारे में। उसको समझने के लिए मैंने एक जनरल बेयरिंग का डायग्राम बनाया हुआ है विथ क्लियरेंस। बाहर बेयरिंग है, अंदर शाफ्ट है और उन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है। इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग में शाफ्ट स्टेशनरी कंडीशन में होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहता है, यानी कि शाफ्ट की आउटर पेरिफेरी बेयरिंग हाउसिंग को टच करती है। जैसे जैसे शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है, रोटेशनल मोशन बढ़ता है, तो लुब्रिकेंट का प्रेशर बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। ये लुब्रिकेंट हम फिल करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे जैसे शाफ्ट की स्पीड बढ़ती है, उसका प्रेशर बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। और होता क्या है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये लुब्रिकेंट जो रहता है उसकी क्वालिटी होती है, ये स्टिकी फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिकी फिल्म में कन्वर्ट होने की वजह से जैसे ये वाइडर रेंज से नैरो रेंज में आता है तो इसका प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये शाफ्ट क्या होती है, उस वजह से प्रेशर जनरेट होने की वजह से लिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है। और शाफ्ट के सेंटर और बेयरिंग के सेंटर के बीच की जो दूरी रहती है वो एसेंट्रिसिटी कहलाती है। तो आज हम फॉर्मूला कैलकुलेट करने वाले हैं एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बेयरिंग के सेंटर O और शाफ्ट के सेंटर के बीच की दूरी है एसेंट्रिसिटी, E से शो किया है। O1 से पेरिफेरल तक रेडियस है शाफ्ट की और ये मिनिमल फिल थिकनेस है कि शाफ्ट जब मैक्सिमम स्पीड में घूम रहा होता है या फिर जिस स्पीड में हम रोटेट करवाना चाहते हैं उस हिसाब से ये थिकनेस ऑफ मिनिमम फिल बढ़ती है या घटती है। यदि हम एग्जांपल लें, जैसे जैसे हम शाफ्ट की स्पीड बढ़ाएंगे उस वजह से क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा, उस वजह से क्या होगा, मिनिमम फिल्म थिकनेस की जो हाइट रहेगी और थिकनेस रहेगी वो बढ़ेगी, तो एसेंट्रिसिटी शाफ्ट की कम होगी। यानी कि सेंटर ऑफ बेयरिंग एंड सेंटर ऑफ शाफ्ट के डिस्टेंस बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो कम होती जाएगी। ये एक रीज़न है, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, प्रेशर बढ़ेगा तो ये मिनिमम फिल्म थिकनेस की मिनिमम फिल्म थिकनेस बढ़ेगी और एसेंट्रिसिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या कारण होता है, जैसे जैसे शाफ्ट पे लोड इंक्रीज होता है, लोड इंक्रीज होगा उस वजह से क्या होगा, मिनिमम फिल्म थिकनेस घटेगी और एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी। तो ये काफ़ी सारे रीज़न होते हैं कि एसेंट्रिसिटी बढ़ सकती है, एसेंट्रिसिटी घट सकती है। अब एक और रीज़न ले लेते हैं, यदि हम रीज़न लें विस्कोसिटी, यदि लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, जो मिनिमम फिल्म थिकनेस है वो भी ज़्यादा होगी तो एसेंट्रिसिटी कम होगी। तो ये काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि स्पीड बढ़ा दें, लोड बढ़ा दें, विस्कोसिटी ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मिनिमम फिल्म थिकनेस और एसेंट्रिसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये कुछ रीज़न मैंने डिस्कस किए हैं कि एसेंट्रिसिटी कम भी हो सकती है और एसेंट्रिसिटी ज़्यादा भी हो सकती है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी के बारे में। यदि हम टोटल डिस्टेंस की बात करें O से आउटर पेरिफेरी तक, तो ये रेडियस होगी बेयरिंग की, जिसे मैं R1 से शो कर रहा हूँ। R1 इज इक्वल टू O से O1 होगा एसेंट्रिसिटी प्लस O1 से R होगा शाफ्ट की रेडियस प्लस ये होती है मिनिमम फिल्म थिकनेस। कुछ बुक्स में इसे H से शो करते हैं और कुछ बुक्स में इसे H0 से शो करते हैं। तो हम H से शो कर रहे हैं इसको, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा R1 - R - H। और एसेंट्रिसिटी R1 - R जो होता है उसे बोलते हैं हम रेडियल क्लियरेंस। इसको हम शो करते हैं C1 से -H, और C1 से शो करते हैं रेडियल क्लियरेंस को और डायमीटरल क्लियरेंस को, यानी कि
डी वन माइनस टी यानी कि बियरिंग का डायमीटर माइनस शाफ्ट के डायमीटर को हम शो करते हैं सी से, और ये होता है डायमीटरल क्लियरेंस, सी वन होता है रेडियल क्लियरेंस। तो यदि हम इसको सी वन को डायमीटरल क्लियरेंस की टर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा सी बाई टू माइनस एच। ये फॉर्मूला हो गया एसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। एक दूसरा टर्म भी होता है एसेंट्रिसिटी रेशियो। एसेंट्रिसिटी रेशियो क्या होता है? एसेंट्रिसिटी रेशियो को हम एटीट्यूड भी कहते हैं। एसेंट्रिसिटी रेशियो का दूसरा नाम है एटीट्यूड। मैं लिख देता हूं एटीट्यूड, ये एसेंट्रिसिटी रेशियो का दूसरा नाम है। ये इसका फॉर्मूला होता है एसेंट्रिसिटी रेशियो इज सॉरी एटीट्यूड होता है। एसेंट्रिसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटी टू द रेडियल क्लियरेंस, यानी कि एसेंट्रिसिटी रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी बाय टू माइनस एच बाय सी बाय टू, और यदि हम इसको सी वन की टर्म में लिखना चाहें यानी कि रेडियल क्लियरेंस की टर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा C1। ठीक, यदि हम इसको C बाई टू को C बाई टू को कैंसिल करते हैं डायमीटरल क्लियरेंस को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू एच बाय सी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है एसेंट्रिसिटी रेशियो का। पहला फॉर्मूला है एसेंट्रिसिटी का। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, पहला एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी डिपेंड करती है शाफ्ट की स्पीड पे, शाफ्ट के लोड पे, विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, कितनी विस्कोसिटी है, टेम्परेचर क्या है लुब्रिकेंट का। और दूसरा टर्म होता है एसेंट्रिसिटी रेशियो, और उसको हम एटीट्यूड भी बोलते हैं। एटीट्यूड जो कि रेशियो होता है एसेंट्रिसिटी और रेडियल क्लियरेंस का। तो ये बात